हेलो माय डियर पैशनेट नीट नीट एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट आईआईटी जेई मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज आपकी बायोलॉजी मेंट्रो और आज के सेशन में हम डील करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ फॉर द चैप्टर इवोल्यूशन और ये जो क्रैश कोर्स आप मैग्नेट ब्रीन आईआईटी जेई नीट के चैनल पर देख रहे हैं दैट इज अवेलेबल फॉर यू कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी है कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे चैप्टर्स की प्रीवियस इयर क्वेश्चंस जो हैं उनके साथ कहाँ पर मैग्नेट ब्रेन आईआईटी जेईई नीट पर तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए और सॉल्व करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस ये क्वेश्चन है 2016 नीट एग्जाम का और क्वेश्चन क्या है 16 2016 नीट के एग्जाम में 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 क्या क्वेश्चन क्वेश्चन पूछा पूछा गया था पूछा था में से कि फॉलोइंग आर दी दी टू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओरिजिन ओरिजिन ऑफ ऑफ लाइफ हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं किसके रिस्पेक्ट पहला ऑर्गेनिजम्स दैट अपियड ऑन नॉन ग्रीन एंड प्रिज्यूमली एनरोब्स इनका कहना है कि जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स आए थे यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिज्मिज्म टू अराइव ऑन अर्थ सबसे पहले जो अर्थ पे आए थे वो ऑर्गेनिज्म नेचर में कैसे थे वो ऑर्गेनिज्म नेचर में थे नॉन ग्रीन कैसे थे नॉन ग्रीन थे यानी प्लांट्स तो बिल्कुल नहीं थे ग्रीन तो प्लांट्स होते हैं प्लांट्स नहीं थे दूसरा वो एनअरोबिक थे जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती सो देवर एन एरोप राइट right? तो पहला स्टेटमेंट इनका ये है दूसरा स्टेटमेंट कहता है फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक पहली बार जब हमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म मिले तो वो किस टाइप के थे कीमो ऑटोट्रॉफिक थे जो कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते थे राइट right? दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सारे फर्स्ट 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 ऑटोट्रॉफ जो थे वो कैसे थे वो थे हमारे कीमो ऑटोट्रॉफ और क्या नहीं करते थे डिड नॉट रिलीज नॉट रिलीज ऑक्सीजन ठीक ये तो हमें दो स्टेटमेंट पता चल गए नीचे लिखा है

था क्योंकि उस समय पहले जब लाइफ ओरिजिनेट uh, हुई अर्थ पे उस समय ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था एंड बिकॉज देर वॉज नो ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दी एटमॉस्फेयर एट दैट टाइम इसीलिए जो बैक्टीरिया थे वो कैसे थे एनरॉबिक थे भाई जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ही प्रेजेंट नहीं है तो बैक्टीरिया ब्रीथ क्या कर सकता है उसको ऑक्सीजन के बिना ही रहना पड़ेगा तो वो बिना ऑक्सीजन के रहने वाले बैक्टीरिया कौन कहलाते हैं वो एनरॉबिक होते हैं तो उस हिसाब से हमारा जो ये वाला स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ये स्टेटमेंट हमें कैसा लगता है करेक्ट

स्टेटमेंट हो गया यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहां हमसे पूछा गया था ऑफ अबव स्टेटमेंट विच वन ऑफ फॉलोइंग करेक्ट कौन सा वाला करेक्ट है तो दोनों करेक्ट हैं अब हम ऑप्शंस को देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या हैं पहला ऑप्शन है सेकंड इज करेक्ट बट वन इज फॉल्स

बात समझ में आ गई क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे ट्रू स्टेटमेंट है right? 2016 में ये आया था. आप इसको लिख लिखना चाहते हैं तो ऑल राइट नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन दी ओरिजिन ऑफ लाइफ हमारे पास ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए कुछ स्टेटमेंट दिए हुए और इन स्टेटमेंट में से कौन सा वाला करेक्ट है ये हमें बताना है ठीक है करेक्ट सीक्वेंस है करेक्ट सीक्वेंस बताना है पहले कौन सा आएगा दूसरा कौन सा आएगा तीसरा कौन सा आएगा ऐसे हमें सीक्वेंस बताना है ठीक है तो अब देखो शुरू करो पहला स्टेटमेंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोबायउंट प्रोबायोट कब बनता है प्रोबायउ बाद में बनता है क्योंकि सबसे पहले प्रोबाय बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं मोनोमर्स फिर हमें चाहिए होते हैं पॉलीमर्स और जब मोनोमर पॉलीमर के आसपास एक मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है तब जाकर प्रोबायोन्ट बनता है राइट right? तो प्रोबायोन्ट तो बाद का प्रोसेस है पहले मैंने क्या बोला मोनोमर बनना चाहिए तो सेकंड स्टेटमेंट है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर डेफिनेटली दिस इज दी फर्स्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दीक्वेंस जब मोनोमर्स बन जाते हैं वेन वी हैव मोनोमर्स ऑलरेडी फॉर्म्ड जब हमारे पास मोनोमर्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं तो उसके बाद हमारे पास जो बनता है वो कौन है तो दूसरे पर हम ले लेते हैं पॉलीमर्स ठीक तीसरे नंबर पर जब इन मोनोमर और पॉलीमर के पास एक मेम्ब्रेन बन जाती थी तब जाकर बनता था प्रोबायंट तो थर्ड नंबर पे बनता है प्रोबाय प्रो बायोन्ट ठीक इसके बाद जेनेटिक सिस्टम आता था प्रोबायोन जब बन जाएंगे बायो बन लग गया मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गया अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा स्ट्रक्चर आने लगता है तो उसके बाद हमारे पास बनता है जेनेटिक सिस्टम उसके बाद हमारे पास बनता है जेनेटिक सिस्टम ठीक यानी अगर हम इस सीक्वेंस को देखें तो पहला Formation of ये बाद में आएगा। फिर मोनोमर्स तो 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 वाला कौन सा स्टेटमेंट है बी तो यहां पर हमारे पास बी स्टेटमेंट पहले आया सीक्वेंस में दूसरा क्या है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पॉलीमर्स वाला स्टेटमेंट कौन सा है ऑप्शन सी तो यहाँ पर सी लिख लेते हैं ठीक है तीसरा क्या है

टू थ्री वन फोर टू थ्री फोर वन ये सीक्वेंस बना के दिया हुआ है हमारा सीक्वेंस एबीसी के फॉर्म में है तो ए का मतलब है वन ए का मतलब है मैं इसको दूसरे कलर से लिख देती हूं ए का मतलब है वन ए का मतलब है वन बी का मतलब है टू ठीक थ्री कौन सा है सी का मतलब है थ्री थ्री और जेनेटिक सिस्टम वाला जो है वो है फोर यानी कि फोर यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बनता है वो बनता है टू थ्री वन फोर क्या बनता है टू थ्री वन फोर यहां पर कहीं दिया हुआ है ये वन टू थ्री फोर है ये नहीं होगा हमारा क्या है टू थ्री वन फोर टू थ्री टू फोर है तो ये गलत ठीक इसके बाद टू थ्री वन फोर दिस इज राइट देन वी हैव टू थ्री फोर वन ये फिर से रॉन्ग सो द करेक्ट स्टेटमेंट दैट वी फाइंड इज ऑप्शन सी आई होप एवरी वन हैज अंडरस्टूड द कंसेप्ट किसके बाद क्या हुआ था इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चलेगी ये वाली बात हमें बहुत अच्छे से याद रखनी है दिस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट ठीक है ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपने अभी भी याद नहीं किया है आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है इस इस सीक्वेंस को समझने में तो आपको आज ही बैठ के ये सीक्वेंस याद करना है किसके बाद कौन बनता है पहले ऑर्गेनिक मोनोमर्स बनते हैं उसके बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनते हैं उसके बाद जाके बनता है प्रो और थर्ड नंबर पर बनता है जेनेटिक सिस्टम इज दैट क्लियर टू एवरी वन आप इसे नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन है 2016 नीट के एग्जाम का राइट फाइन नाउ सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दिप्रेजेंट दॉर्स अब हॉर्स का ऑर्डर पूछा गया है ऑर्डर ऑफ हॉर्स ठीक कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीना स्पीशीज वाले ऑर्डर की बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो होते थे उसमें ऑर्डर क्या होता है हॉर्स का तो ऑर्डर ऑफ हॉर्स होता है पेरिसो पेरिसोडेक्टाइला ठीक है, है पेरिसोडेक्टाइला नाम तो नाम तो हमें याद करना पड़ेगा कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है और यह क्वेश्चन कब पूछा गया था टू थाउजेंड सेवेंटीन के नीट एग्जाम में पूछा गया था नाम सिर्फ हमें किसका याद रखना है ऑर्डर ऑफ हॉर्स ऑप्शन देखिए पहला है एक्विडे एक्विडे नहीं होता दूसरा पेरिसोडेक्टाइला होता है पेरिसोडेक्टाइला डेफिनेटली होता है तीसरा है कैबेलस फिर है फेरस ये दोनों नहीं होते so, right is, right option is, option B, सो द राइट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी पेरिसो ऑप्शन बी दैट इज पेरिसो डकटाइला नीट टू थाउजेंड सेवेंटीन का क्वेश्चन है नोटेड डाउन डन ऑल राइट सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ अगर आपको बोन स्ट्रक्चर में अलग अलग वर्टिब्रेट्स के बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी दिखती है तो वो क्या कहलाता है देखो एक बात याद रखना इफ यू फाइंड सिमिलैरिटी सिमिलैरिटी बिट्वीन बिटवीन बोन स्ट्रक्चर बोन structures ऑफ बोन structures ऑफ vertebrates, ठीक और कौन सी बोन थी तो ये थी हमारी ये कौन सी बोन थी फोर लिम्स की फोर लिम्स की बोन थी अगर आपको सिमिलैरिटी मिल रही है ना अलग अलग वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट्स बहुत सारे लेकिन उनकी बोन स्ट्रक्चर में अगर आपको सिमिलैरिटी मिल रही है तो वो क्या कहलाता है इट इज कॉल्ड एज होमोलॉजी होमोलॉजी ठीक होमो का मतलब ही होता है सेम इस वर्ड में होमो का मतलब होता है मैं दूसरे कलर से बता देती हूं होमो का मतलब ही होता है सेम होमो का मतलब है सेम और सेम यहां पर क्या है सिमिलैरिटी क्या है बोन के स्ट्रक्चर में तो सेम है हमारा बोन का स्ट्रक्चर इतनी बात समझ में आ गई तो इसको हम क्या बोलेंगे होमोलॉजी अब देखो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो नहीं होगा दूसरा ऑप्शन है एनालॉजी 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 क्या होता है अलग अलग स्ट्रक्चर होमोलॉजी नहीं होगा क्वेश्चन so, right है ये पूछा गया था नीट टू थाउजेंड एटीन 2017, 2018 हर बार एक क्वेश्चन थाउजेंड के चैप्टर से आया है और राइट right, इसे नोट कर लीजिए क्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के और हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट ऑप्शन ठीक है सिलेक्ट दी इन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए पहला है ब्रेन ऑफ बैट मैन एंड चीता तो क्या ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है तो यस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है नेक्स्ट दिया है हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता देन अगेन दिस इज डाइवर्जेंट फिर दिया है फोर लिंब ऑफ मैन बैट एंड चीता अगेन दैट इज डाइवर्जेंट देन वी हैव आई ऑफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन आई इज नॉट द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ये जो है इन तीनों में इन तीनों में यानी कि बैट में मैन में और ऑक्टोपस में जो आई है दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ऑप्शन डी करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन 2000 नीट में 2018 में पूछा गया था इम्पोर्टेंट डन ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ रिजल्ट ऑफ हमेशा याद रखना कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं कौन से ऑर्गन्स एनेलोग ऑर्गन एनेलोगस ऑर्गन्स कहीं पर भी ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है

ये हमेशा याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है बस ये दो वर्ड्स एक साथ याद रखने कन्वर्जेंट जहां आए वहां एनालॉगस ऑर्गन आ जाएगा नीट hmm. 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज होमोलोगस टू विंग ऑफ बर्ड होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है होमोलोगस स्ट्रक्चर कौन सा होता है ये पूछा है तो होमोलोग स्ट्रक्चर किसके रिस्पेक्ट में पूछा है विंग्स ऑफ बर्ड विंग्स ऑफ बर्ड के रिस्पेक्ट में ऑप्शंस देखो क्या क्या दिया हुआ है विंग ऑफ मॉथ मौत का विंग नहीं आएगा विंग ऑफ सॉरी हैंडलिम ऑफ रैबिट अगेन रॉन्ग ऑप्शन देन वी हैव फ्लिपर ऑफ वेल फ्लिपर ऑफ वेल इज द करेक्ट वन फ्लिपर ऑफ वेल फ्लिपर ऑफ वेल जो होता है

किसकी बात कर रहे हैं फोर लिम की तो फोर लिम्स अगर हम कैट के लिजर्ड के देखें तो वो हमें किस चीज में मदद करता है वो हमें वॉकिंग में हेल्प करते हैं दे हेल्प अस फॉर वॉकिंग ठीक इसके बाद फोर लिम्स ऑफ वेल आर यूज्ड इन स्विमिंग जबकि फोर लिम वेल के क्या काम कर रहे हैं स्विमिंग का काम कर रहे हैं स्विमिंग का काम कर रहे हैं ठीक है फोरलिम ऑफ बैट आर यूज फॉर फ्लाइंग फोर लिम्ब ऑफ बैट बैट आर यूज फॉर फ्लाइंग ये उड़ने में मदद कर रहा है ठीक है तो फोरलिम ही थे लेकिन वॉकिंग स्विमिंग फ्लाइंग अलग अलग काम कर रहे हैं पर स्ट्रक्चर तो एक ही था तो ये कौन से ऑर्गन्स होंगे ये सारे के सारे कौन से ऑर्गन्स होंगे ये सारे होंगे होमोलोगस ऑर्गन्स होमोलोगस स्ट्रक्चर और ऑर्गन इतनी बात समझ में आ गई ऑर्गन एक ही था स्ट्रक्चर एक ही था काम सबने अलग अलग किए किसी ने वॉकिंग का काम किया किसी ने स्विमिंग का, का काम किया और किसी ने वहीं पे फ्लाइंग का, का काम किया एक ही स्ट्रक्चर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है कि वो कैसा काम करेगा ये डिपेंड करता है एनवायरमेंट में अब लिजर्ड और कैट का एनवायरनमेंट ऐसा है उसको वॉक करने के लिए हेल्प लेनी पड़ेगी वेल का एनवायरनमेंट ऐसा है पानी में रह रहा है तो उसको किस चीज की मदद कर लेनी पड़ेगी स्विमिंग की और बैट को किस चीज की मदद लेनी पड़ेगी फ्लाइंग की तो ये जो है ये सारे के सारे क्या है होमोलोगस ऑर्गन्स है इतनी बात समझ में आई तो ऑप्शन देखिए

2014 का है क्लियर पर ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं नोट कर लीजिए right, कौन सा वाला structure है? अब याद रखना कि अगर हमको चाहिए कि हमारे पास एनेलॉगस एनालॉगस स्ट्रक्चर बने तो ये एनेलॉगस स्ट्रक्चर किससे बना होगा याद करो क्या बताया था किससे बना होगा ये बना होगा कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से किससे बना होगा कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से और एनालॉगस स्ट्रक्चर अब दिए गए ऑप्शन में कौन से हैं होमोलोगस कैसे थे जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा था काम अलग अलग थे और ये है किसकी बात कर रहा है एनालॉगस स्ट्रक्चर की ऑप्शन देखो wings of bat wings of bat wings of pigeon तो हमारे एनालॉगस स्ट्रक्चर नहीं है then we have gills of prawn and lungs of man एक जैसे एनालॉगस स्ट्रक्चर है थॉर्न्स ऑफ बोगनवेलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा आर नॉट एनालॉगस फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स आर अगेन नॉट एनालॉगस सो द ऑप्शन इज गिल ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन विच आर दी एनोलॉगस ऑर्गन एनोलॉगस स्ट्रक्चर टू थाउजेंड फोर्टीन में यह क्वेश्चन पूछा गया था ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दई ऑफ ऑक्टोपस दई ऑफ ऑक्टोपस एंड ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर दोनों का अलग है येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन फिर भी वो काम एक जैसा कर रहे हैं तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ये कैसे स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है ऑप्शन में देखो हमें क्या दिया हुआ है ऑप्शन में हमें दिया है एक, एक जगह ऑक्टोपस की आई इसको हम ऐसा ऐसे पढ़ते हैं देखो अब ये जो क्वेश्चन हैं बहुत इंपॉर्टेंट है इसको उसी तरीके से दिमाग में पिक्चराइज करके बिठाना है आई का स्ट्रक्चर है? है और ये आई हम किसकी देख रहे हैं दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में एक इसकी देखेंगे एक इसकी देखेंगे तो ये ऑर्गेनिज्म कौन कौन है एक है हमारा ऑक्टोपस ऑक्टोपस और दूसरा है कैट दूसरा है कैट अच्छा कैट जो है ना ये मेरी बहुत फेवरेट है ठीक है मेरी बहुत फेवरेट है कैट इसलिए मैंने कैट बना ली है तो ऑक्टोपस था और कैट थी दोनों की आंखें जो थी वो कैसी थी हैव डिफरेंट पैटर्न दोनों की आईज का जो पैटर्न था वो अलग अलग था कैसा था अलग अलग था दोनों का जब स्ट्रक्चर अलग है फिर भी वो सेम फंक्शन कैसे परफॉर्म कर रहे हैं यहां पे भी ऑक्टोपस की आंखों से भी देख रहा है आई की कैट भी देखने में मदद कर रही है स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फिर भी वो काम एक जैसा कर रहे हैं तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं ऐसे ऑर्गन्स को हम आइडियली कहते हैं एनेलोग स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर कहते हैं एनोलोगस स्ट्रक्चर ऑक्टोपस एंड कैट का जो आई है शो डिफरेंट स्ट्रक्चर दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन एनालॉगस ऑर्गन मैंने शुरू में ही बता दिया था एनालॉगस ऑर्गन किस चीज से बनता है एनालॉगस ऑर्गन बनता है कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से किससे बनता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से क्या इतनी बात क्लियर हो गई अब अगर मैं इसे ऐसे दिखाती अभी हम हम क्वेश्चन से गए थे अपने एक्सप्लेनेशन पे अगर मैं ऐसे दिखाऊं इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के द्वारा बनता है एनालॉगस स्ट्रक्चर एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में चला गया है पर स्ट्रक्चर भी उनका कैसा है अलग अलग है पर फंक्शन वो एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं इतनी बात समझ में आ गई अब अपने इस कंसेप्ट को लेकर चलो और ऑप्शंस पर पहुंचो पहला ऑप्शन है होमोलोगस ऑर्गन दट है तो ये ऑप्शन क्यों गलत है क्योंकि ना तो ये होमोलोगस ऑर्गन है और अगर ये होमोलोगस ऑर्गन होते भी मान लो अभी दो मिनट के लिए मान लेते हैं कुछ और क्वेश्चन था और होमोलोगस ऑर्गन थे तो होमोलोगस ऑर्गन कभी भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनता नहीं है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से एनोलॉगस बनेगा तो ये हो गया गलत

नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू राइज द दिजम ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग ऑफ मैकेजम्यूशन क्या होता है तो ये जो साइंटिस्ट थे राइज जो थे इन्होंने कहा था कि जब भी इवोल्यूशन होगा तो इवोल्यूशन किसके माध्यम से होगा किसके थ्रू होगा तो इनका कहना था इवोल्यूशन होगा म्यूटेशन के थ्रू म्यूटेशन के थ्रू म्यूटेशन का मतलब वो स्लाइट चेंज इन दी डीएनए ठीक जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ जाना तो म्यूटेशन की वजह से हो जाता है क्या म्यूटेशन की वजह से हो जाता है इवोल्यूशन इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं इस प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं साल्टेशन

म्यूटेशन हो रहा है वो प्रोसेस कौन सा है साल्टेशन है सो इट इज ऑल अबाउट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर सबसे सही आंसर क्या होगा हमारा म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है ये यूगोडिवराइज ने बोला था उनने इनके बारे में कुछ नहीं कहा था सो द राइट ऑप्शन इज साल्टेशन क्लियर ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में अगेन अ कंसिस्टेंटली सीन क्वेश्चन इन द कमिंग ईयर इन द पास्ट इयर्स क्लियर ऑल नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन कभी भी जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा कहाँ देखा जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कुछ जीन में चेंजेस आए लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में ही आए पूरे सब लोगों में नहीं आए सारी स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स में नहीं आए एक पर्टिकुलर एरिया में आए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली में देखा जाता था आइसोलेटेड एरियाज में आइसोलेटेड एरियाज कौन से होते हैं आइसोलेटेड एरियाज मतलब एक वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं लेकिन उनके आसपास कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है एक अकेला एरिया जहां वो पॉपुलेशन पाई जाती है इज दी आइसोलेटेड एरिया ठीक तो आइसोलेटेड एरिया में जेनेटिक ड्रिफ्ट होता था और आइसोलेटेड एरिया की पॉपुलेशन कैसी होती थी स्मॉल पॉपुलेशन होती थी स्मॉल पॉपुलेशन होती थी तो so, ऑप्शंस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन किसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट देखी जाती है पहला ऑप्शन है स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन आइसोलेटेड एरिया स्मॉल पॉपुलेशन तो स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन सही है नेक्स्ट है लार्ज आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो कि नहीं होगा नॉन रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं होगा स्लो रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन नहीं होगा सो द राइट आंसर इज स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन दैट इज ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन नीट 2016 का है ऑलराइट

विदन अशन ठीक बाई चांस राचुरशन बाई चांस हुआ था कोई नेचुरल नहीं था यह बाई चांस हुआ था देर वॉज नो नैचुरल सिलेक्शन यहां पर नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट नहीं लगा नेशन का कंसेप्ट नहीं लगा तो नेचुरल सिलेक्शन हट गया ठीक है अब बचा क्या हमारे पास चेंज हुआ में बाय चांस जगह नहीं होगी हो आप हो रहा है तो हैव बीन एन आइसोलेटेड एरिया और आइसोलेटेड एरिया के जीन में चेंजेस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं तो ये क्या कहला जाएगा ये कहला जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक ऑप्शन देखिए ऑप्शन क्या क्या है जेनेटिक फ्लो नहीं होगा देन वी हैव जेनेटिक जेनेटिक ड्रिफ्ट देन रैंडम मेटिंग एंड लोड सो है राइट ऑप्शन इज जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर इज ऑप्शन बी ये क्वेश्चन है नीट 2013 का ऑल राइट नाउ सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस बाय ऑर्गेनिजम्स विद डिफरेंट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एनवायरमेंट चेंज ठीक इनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिजम्स के पास डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है यानी कि इवॉल्व अलग अलग जगह से हुए लेकिन सिमिलर फीनोटाइपिक अडेप्टेशन है तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है सिमिलर फीनोटाइपिक सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन कौन है सिमिलर फिनोटाइपिक अडेप्टेशन यानी कि दिखने में एक जैसे कैरेक्टर्स थी लेकिन कैसे थे इनकी इवोल्यूशनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अलग थी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री वॉज डिफरेंट एवोल्यूशनरी अलग अलग जगह से हुआ पर बने सिमिलर कैरेक्टर टू अ कॉमन एनवायरमेंट चेंज और ये जो फिनोटाइपिक सिमिलर स्ट्रक्चर है ये कैसा है इनने अडेप्ट किया है एनवायरमेंटल चेंज को एनवायरमेंटल चेंज को इन्होंने डेप्ट कर लिया है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं ऐसे इवोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं सच एन इवोल्यूशन इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इसे हम क्या कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जहां पर एनालॉगस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे

इंडस्ट्रियल मेलानिज्म जो हो रहा है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म यानी कि मेलानिन का पिगमेंटेशन इज अकरिंग ड्यू टू व्हाट

इंडस्ट्रियल मिलानिज्म क्यों हुआ था राइट डाउन योर इन ओके सो हैव हैव यू यू फाइंड थॉट ऑफ इज द राइट आंसर ये जो इंडस्ट्रियल मिलानिज होता है ये किस चीज का एग्जाम्पल है सो इट इज कोरली द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अब अपने ऑप्शन देखिए ऑप्शंस देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नियो डार्विनिज्म व्हिच इज अ रॉन्ग ऑप्शन देन वी हैव नेचुरल सिलेक्शन व्हिच इज द राइट ऑप्शन देन वी हैव म्यूटेशन एंड नियो लेमार्किज्म सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज नेचुरल सिलेक्शन सो आई होप यू ऑल हैव रिटन द राइट आंसर द करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन 2015 का है ये मैंने आपको बता दिया था आई होप दिस इज फाइन ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेइंग इज़ गुड एग्जाम्पल ऑफ आपको अगर याद हो तो ये जो होता होता है होता है ये ग्रीन से लेकर के ग्रीन से लेकर के कुछ ब्राउन शेड तक में पाया जाता है ब्राउन शेड तक में पाया जाता है ठीक और कहां पर हाइड करता है अपने आप को ये अपने को हाइड करता है ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में Leafs में और स्टेम में अपने आप को हाइड कर लेता है और जब इसे अपने आप को हाइड करना होता है तो ये एक प्रॉपर्टी शो करता है जिससे कि ये ग्रीन लीफ और स्टेम के बीच में दिखता नहीं है एंड दैट प्रॉपर्टी इज बीन आज इन क्वेश्चन एंड दैट प्रॉपर्टी इज खेमोफ्लाज केमोफ्लाज ठीक केमोफ्लाज की प्रॉपर्टी शो करता है ठीक केमोफ्लाज की प्रॉपर्टी शो करता है

तो जब भी इन्हें अपने दुश्मन से बचना है तो ये क्या करेंगे छुपने की कोशिश करेंगे छुपने की कोशिश में ये क्या करते हैं इनके आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं ताकि जो दुश्मन है वो इन्हें पहचान ना सके और उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कैमोफ्लाज कहते हैं सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंड दिस क्वेश्चन वॉज एज इन टू थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड वॉज नॉट फाउंड टू बी सिंथिसाइज इन मिलर्स एक्सपेरिमेंट सर मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था मिलर्स एक्सपेरिमेंट जो थे उस एक्सपेरिमेंट में एक लैब के अंदर अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया था एक लैब में इन्होंने अर्थ का इन्होंने अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था तो उस समय आ, कुछ अमाइनो एसिड्स बने थे ठीक है क्या बने थे कुछ अमाइनो एसिड्स बने थे और वो कौन से अमाइनो एसिड्स थे लेटेस्ट रिकॉल कौन कौन से अमाइनो एसिड्स बने थे तो उस दौरान जो अमाइनो एसिड्स बने थे वो थे एलेनिन एलेनाइन दूसरा था ग्लाइसिन ग्लाइसिन और तीसरा था एस्पैरटिक एसिड एसिड और जो नहीं बना था वो कौन सा है इसके अलावा जो भी होगा वो नहीं बना था ऑप्शन है, है जो बने थे यहां पर एसिड एस्पैर एसिड है यहाँ पर ग्लूटेमिक एसिड ग्लूटेमिक एसिड नहीं है तो यह नहीं बना था और फिर एलोनिन तो भी बना था सो दिनो एसिड विच वॉज नॉट फॉर्मड विच वॉज नॉट

यूटिलाइज फर्दर ये आगे यूज नहीं होने वाले हैं ये वो वाले ऑर्गन हैं अब बात आती है इसके अलावा कौन से ऑप्शन कौन से ऑर्गन हैं तो इसके अलावा अगर आप एविडेंस देखना चाहते हो किसके लिए इवोल्यूशन के लिए तो होमोलोगस ऑर्गन भी होता है होमोलोगस ऑर्गन भी होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर भी होते हैं अगर ये दोनों चीजें मिल रही है मतलब हमें समझ में आ जाता है कि क्या हुआ है इवोल्यूशन हुआ है ये इवोल्यूशन का एविडेंस है प्रूफ ऑफ वेस्टिजियल ऑप्शन नहीं होगा है क्योंकि नहीं होता तीसरा होमोलोगस ऑर्गन ओनली इसके साथ वेस्टिजियल होना चाहिए था ये ऑप्शन गलत होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन ये दोनों नहीं होंगे ऑप्शन इज होमोलोगस एज वेल एज दी वेस्टिजियल ऑर्गन ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2006 राइट सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड ऑफ एरा इज कैरेक्टराइज बायसिक पीरियड जो था जोरेसिक पीरियड जो था इसे हम कैरेक्टराइज कैसे करते थे जुरासिक पीरियड जो मोजाइक एरा का था उसमें फर्स्ट बर्ड देखी गई थी पहली चीज तो फर्स्ट बर्ड देखी गई थी और कुछ प्लांट्स देखे गए थे जैसे साइकस होता है तो कुछ प्लांट्स देखे गए थे कौन से प्लांट्स देखे गए थे जिम्नोस्पर्म्स देखे गए थे जिनके पास फ्लावर्स नहीं थे वो वाले प्लांट्स देखे गए थे अगर ये दोनों चीजें प्रेजेंट है तो वो बताती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जुरासिक अपियर इन दी मोजेक एहरा ऑप्शन देखिए सबसे ज्यादा देखे जाते थे और फर्स्ट टूथ बर्ड थी इसमें हो सकता है अगली बार फर्स्ट बर्ड की जगह क्या लिखा मिल जाए कभी कभी ऑप्शन में फर्स्ट टूथड बर्ड भी लिखा मिलता है इट इज वन एंड दी सेम थिंग इस पर कोई इस पर कोई कंफ्यूज नहीं होगा अच्छा ये चीज आपको अच्छे से दिख जाए मैं इसे अच्छे से लिख देती हूं कभी कभी ऑप्शन में इस फर्स्ट बर्ड की जगह आपको लिखा हुआ मिल सकता है फर्स्ट फर्स्ट टुथ बर्ड क्या मिल सकता है

बर्ड जो है इट अपियर्ड सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन एंड दिस क्वेश्चन क्वेश्चन इन सी नेक्स्ट नाउ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ऑर्गेरी हिस्ट्री अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म की मिल जाए तो भाई ये तो हम अपने क्लास इलेवेंथ के फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन लिविंग वर्ल्ड से कि अगर हमें कभी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एंसेस्टर कौन है और इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं फाइलो जेनी. क्या कहते हैं फाइलोजेनी

सो वी आर डन विद दी ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ द चैप्टर रिवोलूशन अब आपको ये सारे क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना है जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर पाओगे ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर कर सकते हो मैगनेट ब्रीन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट ब्रीन्स डॉट कॉम टाइप करो वहाँ पर एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा ऑफिशियल पेज पर आपको ऑप्शन मिलेगा टू एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज उस पर जाकर अपने टॉप कोर्स नीट को सिलेक्ट करिए नीट पर जाके क्रैश कोर्स में वॉचनाओ सिलेक्ट करिए जैसे ही इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर आपको वॉच ऑल वीडियोस लिखा दिखेगा उसमें आपको आपके क्रैश कोर्स के सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे वॉच नाउ क्लिक करोगे इस तरीके से वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगा और आप अपने इस नीट एग्जाम की जो तैयारी है हमारे साथ मैग्निट ब्रेन आईआईटी जेईई नीट पर बहुत अच्छे से कर सकते हैं लेकिन ये जो मैग्निट ब्रेन आईआईटी जेईई नीट पर आपको नीट की प्रिपरेशन का जो क्रैश कोर्स मिल रहा है वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है आपको आपको कोई कोई फीस नहीं नहीं देनी है आपको कोई नहीं लेना है पेड सब्सक्रिप्शन लेना आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं छोटा सा काम जो आपको कर देना है वो है आपको लाइक जरूर करना है वीडियो को इसके बाद चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और इसे शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच टेक केयर एंड कीप स्टर्डिंग